हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाएंगे उसमें इस तरह के कपड़े का यूज करेंगे और इसी कपड़े से क्राफ्ट बनाएंगे। इस तरह के जो कपड़े हैं हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो हम इन्हीं बचे हुए कपड़ों का रीयूज करेंगे। देखिए, मैंने जो कपड़ा लिया है वो प्रिंटेड है और इस पर ग्लिटर वर्क किया हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी प्रिंटेड कपड़ा ले सकते हैं और उस पर जब आपका क्राफ्ट पूरा हो जाएगा तो उस पर कुछ स्टोन वगैरह चिपका के उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले इस कपड़े को इस तरीके से कट किया है। कट करने के बाद अब जो ये कपड़ा है मैं इसे दो बार इस तरह से फोल्ड करूँगी, जिससे कि इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ही रहे। इसे कट करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए मैंने आगे का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है और बाकी जितना हिस्सा है मैं उसे सिल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो सिलाई कर रही हूँ वो हाथ से ही कर रही हूँ। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन की हेल्प ले सकते हैं और सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हैं। मशीन से जो की गई सिलाई होती है वो नहीं निकलती है, और अगर आप जब हाथ से सिलाई कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं बीच बीच में एक एक टाँके लगाती जा रही हूँ, इससे आपकी जो सिलाई है वो नहीं निकलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से सिल लिया है और अब मैं इसे क्या करूँगी, जो मैंने आगे का पार्ट थोड़ा सा छोड़ा था उसकी हेल्प से इसे पलट लूँगी। इसे पलटने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इसकी जो कोन है उसे मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। तो देखिए, अब मैं इसमें रुई भरूंगी। अगर आपके पास रुई है तो आप इसमें रुई भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास जो पुराना कपड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें अच्छी तरह से भर सकते हैं। इस पर जब रुई मैं भर लूंगी तो इसके बाद जो आगे का हिस्सा मैंने छोड़ा था उसे भी अच्छी तरह से सिल दूंगी। तो देखिए, हमारा गद्दी बनके तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने इस कलर की चार गद्दी बनाई है। इसके बाद मैंने तीन इसी तरह की गद्दी बनाई है और एक जो गद्दी बनाई है वो सर्कल वाले शेप में बनाई है। इस तरह से गद्दी बनाने के बाद अब हम बचे हुए कपड़े से लटकन बना लेंगे। तो लटकन बनाने के लिए मैंने फिर से थोड़ा सा कपड़ा कट किया है और इस कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल वाले शेप में मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद एक तरफ मैं सिलाई लगा दूँगी और एक तरफ मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। सिलाई करने के बाद हम इसे भी पलट लेंगे। पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और इस तरह से इसे शेप देंगे। तो देखिए, मैंने दोनों ही कलर में लटकन बना लिए हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोती की माला ली है और एक बटन लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे देखिए कि मैं इसे किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। हो सकता है मैं जो सिलाई कर रही हूँ उसमें इसका लुक प्रॉपर पता नहीं चले, लेकिन जब मैं इसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसे किस तरह से सिला है। तो अब मैं सबको एक दूसरे से सिलकर एक हैंगिंग बनाऊंगी। मैं जिस तरह से इसे सिल रही हूँ आप उसे देखिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी।
हमारा हैंगिंग है वो बनके रेडी हो गया है। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह का दिख रहा है। मैं जब इसे आपको हैंग करके दिखाऊंगी तब ये आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि ये कैसा दिखता है। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आप इसे अपने घर के किसी भी एरिया में हैंग कर सकते हैं और ये जब थोड़े गंदे हो जाएं तो इसे धो भी सकते हैं। ये बहुत ही आसानी और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाला क्राफ्ट है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।